हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज यू आर वाचिंग मी इन अ डिफरेंट प्लेस। दिस इज माय न्यू होम। सो आर यू गाइस एक्साइटेड कि हम लोग होम टूर करें? एंड या आई विल शो यू इन डिटेल्स अबाउट माय न्यू होम। सो लेट्स स्टार्ट। So this is the door entrance and the entrance pe ye space hai jackets wagera tangne ke liye, but yeah, I have no space for like I use my bag, so jaldi jaldi lene ke liye it's a good thing. And yahan par best and interesting thing is we have a very big mirror, so yeah, that's a good thing. And mirror ke piche kya hai? मिरर के अंदर है, बहुत बड़ा कबर्ट है, सो आई कैन मैनेज माई जीन्स एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स एंड कपड़े जो मेले कपड़े होते हैं वो रखने के लिए, झाड़ू एंड माई बास्केट। एंड वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। ओके, आई हैव टू मम्मी ओपन फ्रॉम द अदर साइड। सो अदर साइड से हम लोग देखते हैं। यहाँ पर कोट्स वगैरह, जैकेट्स, एंड हियर वी हैव अ शू रैक। और लेट्स क्लोज इट। एंड जैसे ही हम लोग एंटर होते हैं, सो वी ऑल्सो हैव अ स्पेस हेयर। और ये जो चीज़ें हैं ये ऑफ कोर्स यहाँ पे नहीं रहेंगी, ये चली जाएंगी यहाँ से। आई हैव टू टेक देम आउट। एंड ट्रैश कैंस, बिग ट्रैश कैन, बहुत सारा कचरा हो गया। और वी हैव अ वेरी वेरी नाइस फ्रिज हेयर। सो फ्रिज को हम लोग खोल के देखते हैं क्या है अंदर, क्या है। ओ माय गॉड, वाओ। सो या माय स्टॉक्स। एंड नीचे यहाँ पर ये फ्रीज़र होता है, सो फ्रीज़र में भी ऑल माय स्टॉक्स मुझे जमा करके रखने हैं, क्योंकि मुझे बार बार मार्केट नहीं जाना। सो आई जस्ट स्टोर मेरा स्टॉक। एंड यहाँ पर भी कुछ मसाले, दाल चावल वगैरह है, सो ये मुझे अरेंज करना है अभी सही से। और कहाँ जाएँ अभी हम लोग? एंड हियर वी हैव अ वेरी नाइस, एंड दिस मैंने ये लिया था किचन यूनिकॉर्न का। एंड मेरा की बॉक्स है, बहुत ही क्यूट है। और यहाँ पर हम लोग अंदर जाएंगे, क्या ही अंदर। सो वी हैव वेरी नाइस बाथरूम। और यस, सो इस पे भी हमारे पास बहुत ड्रॉवर्स हैं जो मैंने ऐसे अरेंज करके रखा है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है इस बाथरूम की? द बेस्ट थिंग इज दिस वन। वेरी बिग कबर्ड है हमारे पास यहाँ पर, और इसके अंदर भी आई मैनेज टू कीप माई थिंग्स। ऑफ कोर्स अभी इतनी नहीं है, सो आई हैव टू पुट मोर। एंड जितना भी मेरा सामान था। सो बाथरूम से हम लोग जाते हैं बाहर। एंड ये बाथरूम के साइड में यहाँ पर हमारे पास आता है हमारा किचन। सो किचन लुक्स लाइक दिस। एंड इसके अंदर हमारे पास प्लेट्स, मग्स, ये वो या सो ये सारा चीज़ें हैं। एंड और सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि इसका ये जो स्टोव है ये बहुत ही फास्ट है, इट्स सो फास्ट। एंड यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पे स्पून्स, ये वो, ये सारा मैंने रखा है। एंड नीचे ये चीज़ें रखी हैं। एंड यहाँ पर आई पुट द डिश वॉशर एंड ये वाली सारी चीज़ें। एंड यहाँ पर हमारे पास है रोटी बनाने के सामान, ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और यहाँ पर हमारे पास है, यहाँ पे मैंने चीनी पत्ती एंड कॉफ़ी एंड मसाला का वो कर दिया है, सो ये ऑलरेडी बना हुआ था मैं जिस सामान के। एंड यहाँ पर हमारे पास ये है, और क्या आता है हमारे पास, वाओ। सो दिस इज़ अ वेरी बिग सोफ़ा, एंड ये मैंने अभी भी लिया था, इट्स वेरी वेरी सॉफ्ट कवर। और सोफ़ा जो है ये इस हिसाब से वेरी नाइस एंड गुड वन। एंड ये मेरा टेबल है, आजकल मैं यहाँ ही बैठती हूँ, यहाँ ही खाती हूँ, पीती हूँ, एंड लैपटॉप चलाती हूँ, ये वो सब, एवरीथिंग आई डू हेयर। एंड हीटर भी आई ऑल्सो बॉट। एंड ये जो बहुत बड़ा कबर्ड है, दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस कबर्ड। और मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये घर जो था इट वॉज़ ऑल अनफर्निश्ड।
ये टेबल भी इट्स माइन। एंड पीछे से हम लोग अगर जाएं तो हम लोग क्या देखेंगे, वाह ये लैम्प बहुत ही अच्छा है। सो एंड उसके बाद हमारे पास ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, अभी लाइट नहीं है तो इसलिए यू कैन नॉट सी, ये भी मैंने लिए थे अभी अभी। एंड अदर थिंग आई हैव सीन दिस कैंडल, सो आप कमेंट से बताओ कि ये कैंडल इज इट रियल और फेक। एंड दिस इज सो ब्यूटीफुल, इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। ये फ्लावर होता है लिक्विड का, एंड देन लाइक स्मेल लाइक परफ्यूम। एंड अदर थिंग वी हैव दिस फ्लावर आल्सो बॉट। और बाहर से पता है क्या नज़र आता है, दिस इज़ माई यूनिवर्सिटी। सो ये घर में यूनिवर्सिटी करीब मिला, डेट्स बेस्ट थिंग। एंड हमारे पास क्या है, ओ वाओ ये देखिए एक और कमरा भी है। सो इस कमरे के अंदर क्या है, सो दिस इज हाउ दिस रूम्स लुक लाइक। एंड वो भी एक बहुत बड़ा कबर्ड है। एंड दिस इज वॉलपेपर, ये पूरा मैच हो गया ना दोनों कवर, एंड ये ब्लैंकेट कवर। और ये इंग्लिश माई क्यूट पपी, एंड दिस इज अ वेरी नाइस कैंडल। अम्मा इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। सो गाइस मुझे लगता है कि ये वीडियो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगी। सो दिस इज़ माय होम टूर। एंड यहाँ पे बहुत, कैसे दिखाऊँ पीछे से, बहुत ही क्यूट क्यूट सी लाइट्स एंड लैंप्स लगे हुए हैं। सो मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि ये जो घर था इट वाज ऑल अनफर्निश्ड। एवरीथिंग आई बॉट, ये सोफ़ा मैंने लिया था, ये टेबल एंड कबर्ड सिर्फ यहाँ पर ऑलरेडी पड़ा हुआ था, एंड वो वाला कबर्ड है वो भी ऑलरेडी पड़ा हुआ था। एंड दिस बेड, ब्लैंकेट्स, पिलो एंड दिस टॉय टेबल्स एंड किचन के भी जो सामान है वो सारे, कुछ भी नहीं था यहाँ पे, पॉट्स पेंस और कुछ भी बर्तन वगैरह ये वो। सो एवरीथिंग मैंने लिया है। फ्रिज यहाँ पर था, एंड यहाँ का जो वॉशिंग सिस्टम है वो ग्राउंड फ्लोर पे है, वहाँ पे मतलब या सेम लाइक फ्रॉगर हाउस, ग्राउंड फ्लोर पे आप वॉश वॉश कर सकते हो। एंड दूसरा ये कि सबसे बेस्ट थिंग, आपको पता है कि मैं घर जब ढूंढ रही थी कितना मुश्किल था मेरे लिए, सो यहाँ पे हम लोग पैट भी रख सकते हैं, मैं लूसी भी रख सकती हूँ यहाँ पे, लूसी के लिए तो बहुत अच्छा है। और वो जो स्पेस है वो खाली स्पेस है, सो यहाँ पर आई विल पुट द टेबल चेयर एंड कंप्यूटर एंड होम ऑफिस बनाएंगे हम लोग, सो उस पर ताकि सही से काम कर सके। सो आजकल मेरा होम ऑफिस यही होता है, सोफे एंड टेबल पे बैठ के काम करती हूँ। एंड मतलब इट्स ये घर बहुत अच्छा है, एंड गर्म भी है ये घर, हीटर ऑफ कोर्स यहाँ पर हीटिंग सिस्टम नहीं है, सो हीटिंग सिस्टम है बाथरूम का, हीटिंग सिस्टम जो इनका है वो यहाँ पे कंट्रोल लगा हुआ है, सो वो बाथरूम गर्म कर देता है, लेकिन रूम के लिए आई यूज़ डेट हीटर, क्योंकि इतना ठंडा नहीं होता ये घर, बट होता है सिर्फ लाउंज में, रात को मैं सिर्फ हीटर यूज़ करती नहीं हूँ। सो या एंड बेस्ट थिंग अबाउट दिस होम इज़ कि ये यूनिवर्सिटी के बहुत ही करीब है, लेकिन जैसे मैं घर से बाहर निकलूँगी सामने ही मेरी यूनिवर्सिटी है, सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे मतलब माशाल्लाह से माशाल्लाह माशाल्लाह इतना अच्छा घर मिला है। और दूसरी चीज़ ये कि या मैं जब घर ढूंढ रही थी कोई भी घर इतना सस्ता नहीं था, सो दिस हाउस इज़ वेरी एक्सपेंसिव। मैं आपको रेंट बताती हूँ, आई विल पे लाइक अराउंड $1200, अराउंड $1200 पर मंथ। एंड उसके बाद जो बिल्स हैं, बिल्स एक्सक्लूडिंग है, लाइक बिल भी मुझे पे करना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी का, सो आई डोंट नो कितना आएगा बिल इलेक्ट्रिसिटी का, बट या क्योंकि घर नॉर्वे में बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, एंड मिनिमम आपको $1000 इतना ही मिलेगा, या $800 भी आई थिंक नहीं मिलेगा, शेयरिंग में मिलता है वो। सो मेरा एक्सेप्शनल केस है। एंड ये घर माशाल्लाह से इस 35 मीटर स्क्वायर बड़ा भी है, एक लाउंज है, बेडरूम अलग है,
एंड पीछे पूरा अलग सिस्टम है एंड मिरर्स लगे हुए हैं, सो दैट्स द बेस्ट थिंग. या जितनी ये मैं ऐसे अरेंज कर सकी हूँ, बट बहुत ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि आइकिया से सामान जो थे वो सारे खुले हुए थे, मुझे पूरा अरेंज करना पड़ा. बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है जब आप मूव आउट करते हो, घर में जाते हो एंड यू हैव टू डू एवरीथिंग अलोन, सो दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क एंड थिंग. मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड थी एंड आई वॉज सो फ्रस्ट्रेटिंग कि मुझे सारे काम करने, ये करना है वो करना है. एंड इतने दिनों से मैं कुकिंग भी नहीं कर रही थी, आई वॉज जस्ट ऑर्डरिंग द फूड एंड पता नहीं क्या क्या खा रही थी. सो अभी तक मैंने कोई प्रॉपर कुकिंग करना स्टार्ट नहीं किया है, लाइक या सो या आई होप कि यू लाइक दिस न्यू होम. एंड आप कमेंट से बताओ कि आपको ये नया घर कैसा लगा है. और आई विल स्टे इन दिस होम ऑफ कोर्स, मे बी जब तक मेरा PhD यहाँ पे होगा तब तक आई विल स्टे इन दिस होम एंड आई रियली लाइक इट. और अगर कोई मेरे पास गेस्ट वगैरह भी आता है घूमने फिरने के लिए, योर सो या हमारे पास स्पेस होगा बहुत ज़्यादा. घर का आर्किटेक्चर इंटीरियर बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये जो घर था इट वाज अ होटल बिफोर, पूरी बिल्डिंग वाज होटल बिफोर. सो ये हर किसी ने अलग अलग लिया. सो ऑनर का एक ऑनर है जिसका ये अपार्टमेंट है एंड मुझे बहुत मुश्किल से मिला है क्योंकि जब फर्स्ट टाइम मुझे पसंद आया था सो ही सेड कि वो रेंट आउट हो चुका है, उसने मुझे नहीं दिया था. एंड सेकेंड टाइम फिर 1-2 हफ्ते के बाद उन्होंने खुद ही मुझे कॉल किया. मैंने कहा हाँ मुझे चाहिए घर, क्योंकि मैंने जैसे ही देखा मुझे घर बहुत अच्छा लगा कि बस आई वॉन्ट दिस होम क्योंकि दिस होम इज़ सो ब्यूटिफुल एंड सी एवरी थिंग इज़ डेकोरेटेड. ये सब पूरा यहाँ पे पड़ा था एंड वो पीछे जो लगा हुआ है, एवरी थिंग इज़ सो ब्यूटिफुल डेकोरेटेड. एंड फ्रिज यहाँ पे बहुत बड़ा था, सो डेट्स ऑल्सो लाइक अ बेनिफिशियल थिंग. एंड पीछे हमारे पास मिरर है, सो वो भी एक प्लस पॉइंट है. बाथरूम इसका बहुत बड़ा था, सो एवरी थिंग वॉज प्लस पॉइंट. एंड लाइक मेरा डॉग भी यहाँ पे आ सकता है और यूनिवर्सिटी भी बहुत करीब है, सो सब कुछ ही यहाँ पे प्लस पॉइंट था. ऑफ कोर्स उसके लिए देन इतने पैसे तो मुझ में खर्च कर ही सकती हूँ. या सो दूसरा घर मुझे इतना सस्ता कोई भी नहीं मिलता. अगर मिलता भी तो लाइक $100 कम मिलता है, $200. सो घर यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है. एंड हम लोग इस व्लॉग को एंड करते हैं एंड आई होप यू लाइक दिस व्लॉग. आई होप यू लाइक अवर न्यू होम. और यहाँ भी हम लोग अच्छी अच्छी सी व्लॉगिंग करेंगे. और दिस इज माई न्यू पेट, जब तक मेरा लूसी आ जाता है. एक्चुअली इट्स जस्ट अ सॉफ्ट टॉय क्योंकि मैं किसी भी कंट्री जाती हूँ आई ऑलवेज बाय अ सॉफ्ट टॉयस, क्योंकि यू लिव अलोन एंड आपकी फैमिली नहीं होती साथ में, सो यू नीड समवन टू हग. एंड या सो आई ऑलवेज कीप सॉफ्ट टॉयस विद मी. एंड ये जैसे ही मैंने देखा मैंने कहा ऑफ कोर्स दिस विल कम इन माई होम, सो ये भी मैंने ऑर्डर किया था. एंड या एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग. एंड हम लोग इंशाल्लाह, मुझे जैसे ही पता चलेगा अबाउट स्कॉलरशिप्स, अबाउट नॉर्वे, अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग, सो मैं शेयर करूँगी. और जिन लोगों जो लोग पूछते हैं अबाउट स्कॉलरशिप एंड दिस काइंड ऑफ थिंग, सो मैं आपको बताऊँ कि ज्वाइन माई स्कॉलरशिप पेज, न्यू स्कॉलरशिप वीडियोज़ इन इंस्टाग्राम. सो वहाँ पर मैंने डिटेल में बताया हुआ है ऑलरेडी कि स्पेशली साउथ कोरिया की स्कॉलरशिप कैसे 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 अप्लाई करना है, इन क्या क्या करना है. और दूसरा ये कि मैंने यूट्यूब चैनल पे भी स्कॉलरशिप का डिटेल में बताया है, हाउ टू फाइंड स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट्स, ये वो, ये पूरा मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है. सो वो भी आप लोग चेक करो. एंड द अदर थिंग, द इजिएस्ट वे टू फाइंड स्कॉलरशिप इज़ गूगल. गूगल पे जस्ट आप ये लिखो कंप्यूटर साइंस स्कॉलरशिप्स इन नॉर्वे, कंप्यूटर साइंस रिसर्च फंडिंग्स इन नॉर्वे, इन ऑस्ट्रेलिया, इन अमेरिका, इन एनी वेयर. सो बहुत सारे लिंक्स ओपन हो जाते हैं, उनमें जा जाकर आप देखो. सो या इन डॉक्यूमेंटेशन एंड इनका जो प्रोसेस है मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब वीडियो से बनाया हुआ है. सो पीछे जाओ एंड देखो. एंड आगे भी इंशाल्लाह जैसे मुझे सही से पता चलता है इस कंट्री के बारे में, आई विल शेयर मोर इन्फॉर्मेशन. आई एम जस्ट कलेक्टिंग द इन्फॉर्मेशन एंड सून हम लोग आप लोग के साथ शेयर करेंगे. और दूसरा क्या, एंड या आई एम हैप्पी कि आई गॉट माई चैनल बैक. एंड या सो अभी आज संडे है एंड आई एम रिकॉर्डिंग दिस व्लॉग, बट यहाँ पे ऑफ कोर्स आप PhD करते हो, PhD लाइफ इज़ नॉट ईजी.
सो हमें मतलब पढ़ाई करनी पड़ती है संडे को भी, एंड वही क्योंकि यहाँ पर अभी कोरोना वायरस की वजह से हम लोग घर से स्टडी कर रहे हैं. सो घर से स्टडी करना इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आपका पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है, और इसी वजह से या इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज द टाइमिंग्स, क्योंकि मैं रात को लेट सोती हूँ, सुबह लेट उठती हूँ, सो मेरा दिन ख़राब हो जाता है पूरा. सो या आई विल शेयर दिस काइंड ऑफ थिंग्स आल्सो, बट या इट्स नॉट ईजी. एंड मतलब पढ़ाई करनी पड़ती है, टास्क मिलता है, ये करना है वो करना है, सो माइंड बहुत सारी चीज़ें होती है. अभी मैं घर मूव कर रही थी तो मेरे मतलब बहुत सारा टाइम मुझे इन चीज़ों को देना था, उन चीज़ों को देना था. इट वॉज़ वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज एवरीथिंग. एंड यूट्यूबिंग की व्लॉगिंग भी करो, व्लॉगिंग आई डू फॉर माई सेल्फ एंड फॉर यू गाइज, एंड या एंड बाय बाय. बहुत सारी बातें हो जाएंगी फिर हम लोग आगे आगे इंशाल्लाह स्लो स्लो वी विल शेयर इन्फॉर्मेशन एंड ट्रैवलिंग इन नॉर्वे और माई लाइफ एंड ये घर को हम लोग स्लो स्लो और डेकोरेट करेंगे अगर कुछ बचा तो, या हम लोग स्लो आपको दिखाएंगे. एंड बाय बाय, टेक केयर योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़.